हाँ जी, यहाँ पर मम्मी जो है ना दूध निकाल रही थी। गाय ली है अभी, ये थोड़ी सी दिक्कत कर रही है मतलब दूध देने में। भाई वो है, पशु हेर तो करता ही है जहाँ से आता है, जहाँ इतने टाइम से रह रहा था, और एकदम जगह बदल जाए तो थोड़ा सा पशु हेर करता रहता है, वही ये कर रही है। ये देखिए मम्मी ने ना गेंदे के फूल लगा रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे येलो कलर के, बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, और इतने सुंदर है बहुत। थोड़ा सा सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ बेटे, बड़े सुंदर लग रहे। ये देखो 3-4 पेड़ मम्मी ने लगा रखे। यहाँ रखना है मेरे को गर्म पानी। मम्मी ने करसी लगा दी और मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा गर्म पानी लगा रख ले अपने लिए, नहा लिए फिर तो पूजा करेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, गर्म पानी लगा दो। और यहाँ बच्चे ना साइकिल चला रहे थे, तो मैं ना कभी साइकिल वगैरह चलाई नहीं, मैं भी थोड़ा सा चला के देख रही थी कैसे चलाई जाए ना, गिर जाएगी, मगर नहीं देखते हैं सहसे। पापा जी कह रहे थे कि चोट वोट ना लगवा ली, आराम से चलाओ। मैंने कहा नहीं, मम्मी कह रही थी यहाँ पक्का है, अगर गिर गया तो मगर नहीं गिरूंगी, आराम आराम से चलाऊंगी। और अवनी भी एक दिन में ही अवनी ने काफ़ी सारी गद्दी पे बैठ के साइकिल चलानी सीख ली है। बड़ी साइकिल है और इसमें पीछे पहिया वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसका बैलेंस बनवाना पड़ता है। पहले इसका मामा चलवा रहा था, मैं चलवा रही थी थोड़ी सी सब पकड़ के। यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत होती है, वैसे तो बैलेंस बनाने लगी है। बच्चा है, धीरे धीरे ही सीखता है सब चीज़ें। और इसकी छोटी साइकिल वो तो है ही, उसमें थोड़ा गद्दी टूट रही है, वो लगवानी है और उसको चला लिया करेगी फिर। पर अभी जरा स्कूल जा रही है ना, तो साइकिल वगैरह में इतना ध्यान नहीं, मैं इसका वो करी स्कूल जाने लगेगी। थोड़ा पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम पढ़ना ज़रूरी है। जिस दिन छुट्टी पड़े उस दिन चला ले, या संडे वाले दिन चला ले, या फिर छुट्टियों में चला ले। एक हमारे घर में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, बाहर रास्ता चलता है, तो बस अपने सामने सामसूम को चलवा लूँ, एक अलग बात है। दिन में तो बस अजीब सा लगता रहा, कहीं चोट वगैरह ना खा ले। तो चलिए इसको थोड़ा साइकिल चलवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, देखो इनके बेस, देखो साइकिल चलाने में गलतान हो रहे हैं। और सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, धूम में बैठी। मैंने ये वाली चूड़ी पहली चूड़ी मेरे हाथों में, नो नो चूड़ी। मैं मम्मी ने मुझे चूड़ी और कंगन दिए। हाँ, और सोचा आप लोगों से बात कर लें, वीडियो स्टार्ट कर लें। कर लीजिए, थक गए जी, पूजा कर ली, नहा ली। मैंने गोपाल जी की पूजा कर ली, थोड़ी देर बैठी, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। है? नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगे बाद में, नहीं अभी मिलते हैं। मिलन काड़ा सा हो रहा ना, इसमें ज्यादा कमजोर हुई ना। देखो अपने भैया को, देखो क्या क्या बातें बताता है। अब मेरा भाई सही रह रहा ना वीडियो में, अपना कमेंट करो भाई, ऐसा ऐसा बर्ताव कर रहा, अच्छा रह रहा है। फिर मुँह का मुँह कटवा दूंगा, मुँह वहाँ सेट करूँगा। बाल कटवाने वाले तो नहीं, इसका मुँह है ना थोड़ा सा साफ सही करूँगी, ज़्यादा काला सा हो रहा है। इसे खुरैरा लेकर नुहाना पड़ेगा, खुरैरा करना पड़ेगा। दिल्ली आ गए ले वाली ले ले। हाँ सोना बाबू किसका देखूँ, सोना बाबू किसका। चुक बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय कर दो, बाय। हाँ जी, मेरी चुन्नी कहाँ गई, मेरी चुन्नी देखे भाई। मैं ना अपने मायके से आ गई वापसी, बार दरी दिखा है देखिए, कायरों के स्कूटर पे मैं अपने मायके से वापसी आ गई। एक ही दिन के लिए मैं मम्मी पापा से मिल के आई हूँ। अभी मेरे घर की बुरी हालत हो रही, कुछ नहीं दिखा सकती। मैं सोची फिलहाल आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि जिनको मैंने पढ़ के है ना थोड़ा अजीब भी लगा, कुछ ठीक भी लगा। जैसे कमेंट्स ये थे कि भाई तुम है ना यहाँ पे तो काम करती हो और ससुराल में काम करती हो, मायके में जाके काम करने लगी। जैसे मायके वालों की करती हो वैसे ससुराल वालों की भी करो। मैंने कब कितनी बार ये चीज़ें बोली है, मैंने कब मैंने कही किसी करने की। रही काम की बात, मेरे को वहाँ बस एक ही काम रहता है, ऐसे कमरे कमरे का। एक काम में 70 काम हो, एक कमरे कमरे में 1000 काम निकल आते हैं, ठीक है ना। अगर करने लगे तो बहुत काम है, और ना करे तो एक भी काम नहीं है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, मुझे यहाँ क्या काम नहीं होता, वहाँ बस मैं थोड़ा सा कायरों से फारिग हो जाती हूँ। और मेरे मम्मी पापा है ना बुखार में से उठे हैं दोनों, मम्मी के पैर सूज रहे हैं बुरी तरह, पापा जी बिल्कुल भी बहुत
मतलब ये मान लो लैट्रिन पेशाब के लिए भी सांस भरते हैं जाने तक भी, इतने बीमार है, इतनी हालत पापा जी की ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो आप बताओ, मतलब मैंने जाकर थोड़ा सा काम कर लिया, अपनी मम्मी की हेल्प कर दी, तो कुछ बुरा थोड़ी ना कर दिया। माँ है मेरी, मतलब देख कर मुझे तकलीफ़ हो रही थी इस तरह से, मम्मी के पैर इतने मोटे मोटे हो रहे, सूज के बुखार में सब थी, तो मुझे दर्द तकलीफ इसलिए हो रही थी कि भाई इतनी बुरी हालत हो रही है, अकेली काम में दुखी हो रही, घर में गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं साफ़ कर दूँगी, सकेटू मैं यहाँ नहीं करती, एक दिन में जाके कौन सा मैं मोटी हो जाती, मैं एक दिन वहाँ आराम कर लेती, मोटी नहीं होती। मैं नहीं मानती कि कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो ठाली बैठ के खाओ मोटा हो जाएगा। हाँ, शरीर को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, जो है एक दिन आदमी सस्ता है, पर वो रात भर सो के भी सस्ता है, मैं नहीं मानती ये चीज़। मैंने सोचा मेरी मम्मी के लिए परेशान होगी, थोड़ा सा काम करवा दूँ, कहीं नहीं मेरा कुछ घसने का। कुछ कमेंट आते कि आपका भाई वीडियो में अच्छा लगा, कुछ कमेंट आवे उसे मत दिखाया करो, दोनों ही चीज़ें रखते हो। बस है, अभी चला जाएगा अपना आप बेचारा, देखा काम कर रहा है आज मेरा भाई, मेरे नाम का काम कर रहा है, चला जाएगा कौन सा यहीं रहेगा। अभी देखे यहाँ आ रहा तो थोड़ा सा मैं भी हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, चला जाएगा फिर मैं ऐसी हो जाऊँगी। और अभी अब एक कमेंट ये भी आता, अब नहीं स्कूल नहीं जाती, का दिवाली की छुट्टी पड़ रही थी उसकी, ख़त्म हो गई, अब स्कूल खुल गए और कल से वह स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं एक दिन के लिए घर गई थी, घूम के आ गई, कल से वो अपना स्कूल जाएगी, बाकी फिर डेली जाएगी, संडे की ही छुट्टी रहेगी, बाकी दिनों की तो कोई छुट्टी नहीं। अगर कोई त्यौहार है जैसे गंगा स्नान आ रहा है, छुट्टी पड़ेगी तो ठीक है, तो छुट्टी का पक्का नहीं पता, मतलब इस पड़ेगी गंगा स्नान पे तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, अभी परमानेंट स्कूल जाएगी, उसके एग्जाम हुए थे, इसको स्कूल में जाना, रिजल्ट वगैरह देखना है उसका, कैसे मार्क्स वगैरह आए हैं। हाँ, ये चीनी का डिब्बा बाहर रख दे भाई, झाड़ सीधे अलमारी में तो बहुत धूल हो रही है। एक दिन में मेरे घर में सारे में धूल धुमाल हो जाए एक दिन को, क्या गई। पहले आप लोगों ने कहा था ये जाली वगैरह की, दीदी ने बंद करवा लो ऊपर की मोगले, तो मैंने भी जाली लगवाने की सोच रही, पर अभी मेरा हिसाब नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि अब है ना, एक तो अपनी की फीस वगैरह जमा करनी है, एक सर्दी जर्सी वगैरह लेनी है, स्कूल से ही मिलेगी शायद कोट वगैरह, तो वो लेने हैं, और फिर भाई दूध दूध का सारा सिस्टम जो है सब देखना पड़ता है। पहले भी बताई थी मैं 1 रुपया खर्च का लिखती हूँ, क्योंकि तो लिखने से ये पता चल जाता है कि महीने में हमारा कितना खर्च आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कितना हमको बच रहा है। मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे सर में आज बहुत भारी दर्द हो रहा है, और मैं पता घर जाने का क्या रीज़न है, एक दिन के लिए मैं नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था छुट्टी ख़त्म होगी, त्योहारों में मैं इसलिए नहीं गई कि भाई त्यौहार अपने घर पर ही मनाए। और जाने का सबसे ज़्यादा रीज़न पापा जी बात करें जब भी रोवे, बात करें जब भी रोवे, मम्मी भी रोवे, बेटी तेरी बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही, बुखार हो गया हालत, जब आदमी वो दिखने लगा कि तेरी हालत ख़राब है, मतलब तू अच्छे से भाई उठ नहीं पा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, या उसे ज़्यादा परेशानी मालूम दे, तो इस वजह से है ना थोड़ा सा वो लोग जी थोड़ा कर रहे थे। मैंने कहा मत रो, मैं आ जाऊँगी, तो मैं एक दिन के लिए चली गई, थोड़ा भाई बच्चों को देखा, मुझे देखा तो थोड़ा उनका मन जो है शांत सा हुआ। मैंने कहा परेशान मत हो, बुखार था भाई उतर तो गया, मेरे मामा जी उधर, मामा जी का लड़का, मामा जी के लड़के की बहू, मामी जी, बच्चे सबको उधर तो है ना बहुत बुखार आया, और कई लोग मर भी गए, 2-3 लेडीज भी मरी है, बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ, जो भी बोला हम तो सीधी सी भाषा में वही बेचारे गुजर गए, मतलब अभी दुख हुआ, बुखार में बहुत बुरा हाल है उधर, इधर तो हमारे इधर तो इतना बुखार नहीं है बिल्कुल भी, उधर ज़्यादा है कुछ हिसाब से। तो मैं बताऊँ, फिर मैंने जब मैंने वहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी इस तरह के कमेंट, तो आप इस तरह का ना, मेरी माँ है भाई, मैं आप फिर कुछ लोग बोलेंगे उसको माँ मानती है, इसको माँ नहीं मानती, ये माँ से पहले है। जो लड़की अपना घर परिवार सब छोड़ के आ जाए दूसरे घर में, और वहाँ उसको नई माँ मिलती है, मैं इनको अपनी मम्मी से भी ज़्यादा मानती हूँ, अपनी सास को, इस बात को माने या ना माने, अगर समय पड़ेगा ना, समय पड़ा अगर उन्हें कोई ऐसी दिक्कत हुई तो कोई बाहर का नहीं करेगा, चाहे वो हम कितने बुरे हों, चाहे वो हमारे लिए कितने बुरे हैं, करेंगे हम ही, क्योंकि वो हमारी माँ है। देखिए कल को देखिए ये सासू माँ बोल देते हैं, सासू माँ और माँ एक ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये मान लो कि सासू हो गई। तो देखो अगर कल को उन्हें कोई तकलीफ होती है तो बिल्कुल पक्का जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, नूनी कि भाई वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर दी या हमारा कुछ करते नहीं। हाँ बेटा अब नहीं खिला ले, कोई बात नहीं, पढ़े तो क्या होगा, होने का ना खिला ले, अब नहीं खिला ले,
अब देखो जैसे ये कल अगर भगवान ना करे कोई परेशानी हो जाए दिक्कत हो जाए तो हम ही करेंगे और कौन करेगा, कोई बाहर का थोड़ी ना कर देगा। चाहे आप कोई कैसा भी हो, अपने कितने भी बुरे हो, फिर भी सब अपनों को करते हैं। तो मतलब अगर हमारी माँ बीमार हो जाए तो हाँ भाई उनकी भी तो करेंगे, हम तो ऐसे ही इनकी करूँगी क्यों नहीं करने की, भाई तो मेरी माँ है। पर मैं कह कह नहीं खोती, समय बताता है, भगवान ना करे कि वो बेचारी किसी का आस्तिक हो। पर इतनी भी बुरी दिल की नहीं हूँ मैं कि भाई अपनी माँ माँ के लिए सोच रही है, सासू माँ के लिए सोच रही है, वहाँ भी ऐसा काम कर लेकर यहाँ क्या काम नहीं करती। मैंने कब कहा मम्मी आप रोटी पोके खाओ, मैं तो बना के देने को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ। पर उन लोगों को समझ में आओगी जब ये चीज़ तब की तब, जबरदस्ती तो नहीं मैं कर सकती। देखो इसका हस्बैंड कहीं नहीं साथ उठ दे रहा, वैसे झूठ बोलती है, थोड़ा बहुत अच्छा बोलने के यही काफ़ी है। साथ के तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलूँगे, नहीं चलना नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। आदमी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगे, बच्चों के साथ अच्छा बोलने लगे, यही काफ़ी है। ठीक है मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों को देख लाया ये भी बड़ी बात है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वहाँ की बाकी की वीडियो नहीं शूट कर पाई, थोड़ी सी आप लोगों के कमेंटों के जवाब देना जरूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।